हाँ सारे स्टूडेंट को मेरी आवाज आ रही है, बताइए। यस सर। ओके आदिल, कैसे हैं आप? नेट प्रॉब्लम तो नहीं है आज? सर आज तो ठीक है। ओके थैंक यू। तो कल पिछले क्लास में जो लास्ट टॉपिक था वो मैं थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ कि सबको समझ में आ जाए, आदिल को भी और विभूति भान को भी। तो और लिखना शुरू भी कर दें, अदील और विभूति। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, दिस इज वेरी आसान टॉपिक, परसेंटेज कंपोजिशन, यानी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड अगर निकालना हो तो जिस एलिमेंट का निकालना है उसके एटॉमिक मास लेंगे, उसका नंबर लेंगे, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। और परसेंटेज है तो 100 तो होगा ही, 100 लिख लीजिएगा। ठीक है आदिल और विभूति, आवाज आ रही है विभूति? यस यस सर। सर आपकी हाँ वीडियो ठीक है। लैग कर रही है। अच्छा, नहीं वीडियो नहीं, मैं आवाज तो क्लियर है ना? यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अमोनिया है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो नाइट्रोजन कितना है? 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और मॉलिक्यूलर वेट 17 × 100, बहुत आसान है। अगर आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन 3 डिवाइडेड बाय 17 × 100। बताइए विभूति और अदील खान को समझ में आया? यस सर। चलिए अब मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन देता हूं, ये मैंने रिवाइज करा दिया, अब इस पर अच्छे क्वेश्चन कैसे आएंगे सारे लोग ध्यान दें। इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर बाई मास, ये मैं खुद करूंगा। इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर बाई मास, कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब इंसुलिन। देखिए परसेंटेज का जो क्वेश्चन आएगा वो तो सबसे आसान है, वो तो आपसे बन ही जाएगा। पहले बताइए सारे लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया हाँ या ना, जल्दी बताइए। नो सर वेट। अच्छा ओके,
हाँ अब तो लिख लिया होगा सारे लोगों ने। यस। देखिए पहले इस बात की मीनिंग समझिए कि मिनिमम का मतलब यहां पर क्या है। तो देखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मींस इंसुलिन कंटेन्स एट लीस्ट वन सल्फर एटम। पता है जब मिनिमम है तो उसमें तो एक सल्फर तो होगा ही क्योंकि सल्फर लिखा हुआ। हाँ या ना जल्दी बताइए। हाँ स्टूडेंट बताएं, आवाज नहीं आ रही मेरी, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। मिनिमम का मतलब ये हुआ कि उसमें एक सल्फर तो होगा ही क्योंकि देखिए आपको इंसुलिन का फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है और परसेंटेज निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखें 3.2% सल्फर बाय मास है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कह रहा है, तो मतलब ये है कि उसमें एक सल्फर तो होगा ही। तो आप ध्यान दीजिए बस, परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला एटॉमिक मास ध्यान दीजिए इनटू नंबर ऑफ सल्फर नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड का मतलब इंसुलिन इनटू 100। तो सारे लोग मिलके बोलिए परसेंटेज ऑफ सल्फर 3.2 दिया हुआ है। yes, हाँ या ना? ठीक है। सल्फर का एटॉमिक मास 32, नंबर कितना 1। वही कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे कि 1 क्यों लिया, ये मिनिमम लिखा हुआ, मिनिमम का मतलब एक तो होगा ही। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन मालूम करना है, एम मान लिया 100, तो बताइए एम इज इक्वल टू हो जाएगा 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3.2, मतलब कैंसिल होकर 1000, और यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? yes, इसी का ताहिरा तारीख सब लोग बताइए समझ में आया कि नहीं? गुड गुड गुड। सक्षम चोपड़ा आपको आया? आदिल? यस सर आ गया। थैंक यू। आ गया सर। डन सर। ओके सर। वेट। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। ओके चलिए इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं।
हाँ आंसर आया? नो सर वेट सर हाँ इशिका का आंसर आ गया साक्षम चार। आदिल आपका आंसर आया क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं। नबील खान कैन यू हियर मी? नबील खान यस सर। क्यों लेट से आते हो भाई, कहाँ रहते हो? तुमको मैसेज जाता तभी आते हो, क्लास हर दिन है ना, जब नहीं होगी तो मैसेज चला जाएगा। ओके नबील खान भाई, चलो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो तुम, बाद में लिख लेना नबील। आप देखिए कितना बहुत आसान था भाई। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, जिनका आंसर डी आया है दिस इज करेक्ट आंसर, थैंक यू वेरी मच। अब मैंने कहा ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इससे आसान टॉपिक कुछ नहीं है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन कितना है वो आपको निकालने को कह रहा है। मॉलिक्यूलर वेट 194 × 100, बस फॉर्मूले पर करना है। अब इससे आसान क्या हो सकता है, 14 नंबर ऑफ एटम को x मान लीजिए, 194 × 100 सॉल्व कर लीजिए, x इज इक्वल टू 194 28.9 बाई 1400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 194 × 28.9 डिवाइडेड बाई 1400, एक मिनट, 194 × 28.9 डिवाइडेड बाय 1400, तो 4.0004, तो 4 आएगा। बताइए, बहुत आसान है, सबको समझ में आया? आदिल फॉर्मूले पर रखना था, कोई ये नहीं था। विभूति भान आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक, गुड गुड वेरी गुड। नबील खान ये तो तुम पढ़े ही थे कल, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटम निकालना। 28.9 कैसा है? देखो दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन को पहले देख लो, यहाँ दिया हुआ है। अच्छा हाँ, सब कुछ दिया हुआ है, एक अननोन को कहा है निकालने के लिए। ठीक, तो अगर परसेंटेज पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का है। एक तो है कि भाई कंपाउंड देकर एवरी एलिमेंट का करेगा, वो तो मैं करा ही चुका था, तो बहुत आसान है जी सर। हाँ चलिए आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir, done. Done. ताहिरा तारिक समझ में आया आपको? Yes, sir. Okay, चलिए इस पर एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए।
सर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जी बोलिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मीथेन इथेन सब नहीं पढ़े हो? ग्लूकोज ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, है ना? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नाम नहीं दिया है। यूरिया जो सब ये सब पढ़े नहीं हो नाइन्थ में? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ऑर्गेनिक हाँ पढ़े हैं। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ कार्बन हाइड्रोजन से बातें होंगी। इनऑर्गेनिक कहते हैं मेटल नॉन मेटल। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्यादातर ये रहते हैं। ये बहुत आसान है, सारे लोग करके दिखाइए। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। इन ओसी, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब कुछ दिया हुआ आपको, जल्दी करके दिखा दें। ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 46.6%, सी ऑप्शन है 36.7%, डी ऑप्शन है नन। जल्दी करके दिखाएं। गुड इशिका, गुड। सब लोग बनाइए। क्या है भाई परसेंटेज ऑफ कार्बन कह रहा है? तो कितने कार्बन एटम है? 14 कार्बन का एटॉमिक मास बताओ। यही कियो हाँ या ना, जल्दी बताओ। सही है, सो कैलकुलेट कर लें। वीबी नंबर ऑफ एटम 14, कार्बन का एटॉमिक मास 12, मॉलिक्यूलर वेट खुद दिया हुआ है, समझा? अगर वो फॉर्मूला नहीं देगा तो वो लिख देगा कितने एटम है, समझा? तो सब आपको खुद दे देगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो वो खुद इंफॉर्मेशन दे दिया कि कितने कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। तो बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 46.6% आएगा। बताइए आया सबको समझ में? यस सर। अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब पहले पार्ट का हम लास्ट पार्ट अब पढ़ाने जा रहे हैं, मूल कंसेप्ट का। इसके बाद वाला कंसेप्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जो स्टूडेंट को टफ लगता है इस चैप्टर में। अब तक मोल क्या है, मोलर मास ये सब पढ़ लिया, तो आज इस पहले पार्ट का लास्ट पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये भी बहुत आसान टॉपिक है, क्वेश्चन आते ही आते हैं, कॉम्पिटिशन में भी, स्कूल लेवल में भी, हर जगह। क्या आप लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। यस यस। चलिए टॉपिक डालिए आप, एकदम आसान कंसेप्ट, पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें, बस टॉपिक डालिए। इंपिरिकल फॉर्मूला सब लोगों ने नाम सुना होगा हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड, इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड आपको पूरी चीज पढ़ाई जा रही है टॉपिक वाइज। अब इस टॉपिक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, उसमें क्लास मिस नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी सब न्यूमेरिकल अप्रोच है। चलिए टॉपिक लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। हाँ तो देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, ऐसे आप जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, लिखिएगा नहीं मैं लिखवाऊंगा अच्छे से। जैसे अगर आपको कोई कहे कि भाई इथेन का क्या फॉर्मूला होता है, C2H6, सबको समझ में आ रहा है इथेन का फॉर्मूला होता yes, है? दिस इज कॉल्ड मॉलिकुलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड मॉलिकुलर फॉर्मूला।
इंपिरिकल फॉर्मूला कहा जाता है, जो कि वो भी फॉर्मूला है लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो देगा सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में। मॉलिकुलर फॉर्मूला एक्चुअल के बारे में आइडिया देगा। जैसे इसका सिंपलेस्ट रेशियो बताइए, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? CH3 1:3 होगा कि नहीं? इसका सिंपलेस्ट रेशियो हम 2:6 नहीं बोले, सिंपलेस्ट का मतलब CH3। तो CH3 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ C2H6। घबराइए नहीं, मैं सब कुछ समझाऊंगा। जैसे बेंजीन एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम, बताइए इसका सिंपलेस्ट रेशियो, सारे लोग बताइए क्या होगा? CH। गुड, 1:1। तो दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Did you understand everyone? Yes, sir. Nabil, Vibhuti, Tahira, Tariq. Yes, sir. Yes, sir. Adil Babu, आ रहा है समझ में? Yes, sir. फिर calculation का तरीका बताएंगे। तो molecular formula कहते हैं जो actual number of each atom को बताए, each atom को बताए। और सिंपलेस्ट रेशियो कहते हैं द फॉर्मूला विच गिव द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मीथेन का फॉर्मूला बताइए CH4, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CH4 ही होगा, क्योंकि रेशियो 1:1 कोई सिंपलेस्ट नहीं, 1:4 ही है सिंपलेस्ट इसका। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकता है। यहां सिंपलेस्ट रेशियो 1:4 ही है। आपके पास वाटर, वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है और वाटर एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है, क्योंकि रेशियो 2:1 ही है यहां सिंपलेस्ट रेशियो। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस, तो अब हम आपको लिखवाते हैं, पहला पॉइंट डालिए द फॉर्मूला, फिर इसका निकालने का तरीका बताएंगे आपको द फॉर्मूला। इशिका, समझ में आया कुछ आपको? विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड MF। दूसरा है, म्यूट कर लें, विच गिव्स द सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। बताइए, किसी को अभी भी दो डिफिनेशन में डाउट है, मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा, फिर निकालने का मेथड भी सिखाऊंगा। आदिल, नबील, विभूति, तारिक, ताहिरा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना डिफिनेशन में? नो सर। थैंक यू।
हाँ आवाज आ रही सबको? यस सर। चलिए ये सब लोगों ने लिख लिया था ना, हाँ या ना जल्दी बताइए। yes, लिख लिया था? यस सर। यस सर। हाँ आप सुनिए, आपके पास कंपाउंड है, थोड़ा सा एग्जांपल दी मैं देता हूँ, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखवाऊंगा। जिसका जिसका भी बेसिक कमजोर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने कंपाउंड लिया ग्लूकोज, तो सारे लोग बताइए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। सारे लोग बताइए इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या लीजिएगा, CH2O, हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। किसी को कोई डाउट है, हाँ या ना जल्दी बताइए ना। नो सर। गुड। आपके पास लिखना शुरू भी कीजिए, लिखते भी रहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको कुछ समझना नहीं है ज्यादा। C6H6 लिखना शुरू कीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो आप बताते भी रहिए, सिंपलेस्ट रेशियो बताइए। CH। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपके पास इथेन है C2H6, बताते रहिए। CH3। बहुत अच्छे। ओके, मीथेन बताइए क्या लिखें, CH4। सिंपलेस्ट रेशियो वन रेशियो फोर, हाँ CH4 ही रहेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। इसलिए मैं आपको ये भी एग्जांपल दे दिया कि ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों अलग अलग रहेगा। अमोनिया NH3, सिंपलेस्ट रेशियो भी 1:3 NH3। ये दिया कि घर पर आपको सेल्फ स्टडी में आसानी हो, क्योंकि सारे स्टूडेंट का ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा, कोई स्टूडेंट बहाना नहीं कर सकता हमको ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, ये आपको है। बताइए विभूति भान आ रहा है ना आपको, इशिका सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ इशिका विभूति भान समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। थैंक यू थैंक यू। लिखिए लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सर। वेट सर। हाँ नहीं कोई बात नहीं, एकदम लिखिए, मैं सब से पूछ के ही आगे बढ़ूंगा। लिखिए चलिए। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। यस सर। आप सुनिए, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए हंगामा है। यहाँ देखिए मैंने इसलिए ये टेबल बनाया आपको, उसकी वजह ये थी, इस टेबल को जब आप देखिएगा तो आपको ये मालूम होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज द रिलेशनशिप। इसीलिए गौर से सुनिएगा, जब आपसे न्यूमेरिकल कहेगा फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला तो पहले आपको इंपिरिकल निकालना पड़ेगा।
देख लीजिए यहाँ पर n क्या है, एक n एक नंबर है, n कोई ये चीज नहीं है कि क्या है, n इज द मल्टीप्लाई। यहाँ देखो 6 इज द नंबर, CH को 6 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। इससे तो फार्मूला बन गया। अब देखिए न्यूमेरिकल में जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आएगा, मैं ऐसे पहले डायरेक्ट बता देता हूँ एन कैसे निकलेगा। तो n के लिए न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, यहाँ तो आपको डायरेक्ट मालूम हो गया है इसको देखकर, कहीं कहीं पर डायरेक्ट मालूम नहीं रहेगा। तो आप मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, कोई भी क्या n क्या है, तो n कोई नंबर है, मल्टीप्लाइंग नंबर, इसके बारे में ज्यादा आपको ये नहीं करना, मल्टीप्लाइंग नंबर। तो एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल मास और अच्छे से न्यूमेरिकल में समझ में, तो ये दो रिलेशन याद रखिए। बताइए सबको समझ में आया कंक्लूजन? यस सर। यस सर। हाँ, एक टॉपिक की और जरूरत होगी अच्छे न्यूमेरिकल में, वो मैं थोड़ा दो तीन क्वेश्चन आप कर लीजिए, तो मैं एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक और टर्म्स का यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अभी तक जो पढ़ा उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। थैंक यू। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए, मैं खुद करूंगा और आपको बहुत तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, समझा कि नहीं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा इस पर, तो लिखिए। एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% oxygen. Find the empirical formula of compound. अब मैं बना के दिखा रहा हूं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन ही मैटर करता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका माइंड कितना तेज है, कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो देखिए प्लीज लिख लिया आप लोगों ने, पहले ये पहले बताइए। यस सर। और अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उधर उधर नहीं देखेंगे, ध्यान देंगे। तो पहले मैं चूंकि आप स्कूल लिहाज से मैं समझा रहा हूँ, बाद में मैं थोड़ा सा जल्दी वाला भी मेथड बताऊंगा, लेकिन पहले चूंकि पहला क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन आप डिटेल में समझें। आयरन एलिमेंट है, परसेंटेज है, परसेंटेज कंपोजिशन है, मेन है एम्पिरिकल फार्मूला, या एम्पिरिकल फार्मूला के लिए कि आपको मोल्स आना चाहिए, बस मोल्स आना चाहिए, मोल्स आपको निकालने आना चाहिए, मोल्स के बाद सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक, अब ध्यान दीजिए, लिखिएगा नहीं। आयरन है, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन जो दिया रहेगा उसको आप बाई मास ही समझेंगे, 69.9% का मतलब 69.9 ग्राम है। तो गौर से सुने, मोल्स कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास बाई मोलर मास, ऑब्वियसली कैलकुलेशन है, मैंने पहले का कैलकुलेशन होगा इसमें, तो लेकिन कंपटीशन में ऐसा डाटा देता है कि जल्दी सॉल्व होने वाला, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सब कुछ आना चाहिए 56, ये 1.24 आया। ऑक्सीजन है 30.1 है, गिवन मास बाय मोलर मास 16, तो आपके पास 30.1 डिवाइडेड बाय 16, ये आपके पास 1.88 आया। बताइए सबको समझ में आया आया ना? Yes, sir. Yes, sir. आप सुनिए, लिखिएगा नहीं, पहले ध्यान दीजिएगा। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब ये होता है साइंटिस्ट कि जो वैल्यू कम है उसी से सबको डिवाइड करेंगे।
उसी को सबसे डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आएगा। अब बताओ 1.5 को क्या लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। नीचे दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा, एक मिनट देखिए, नहीं दिख रहा। यस सर। अरे मेरे में तो दिख रहा है 3/2, आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा आप लोगों के 3/2? यस सर दिख तो रहा है 3/2 है ना, साफ लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको, हाँ या ना, जल्दी बताइए, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर अब दिख रहा है। हाँ अब क्यों नहीं देखेगा, आएगा तो आप देखिए। सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया, बस आयरन का सिंपलेस्ट रेशियो 1 है, ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो 2 है, तो फॉर्मूला बन गया Fe2O3। बताइए आया या नहीं आया? आया? यस सर। यस सर। अच्छा आया कि नहीं आया जल्दी बताइए। विद्युत, हाँ सर, तो इस तरह हम निकालेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, गौर से सुनिए, लिखिए नहीं, अगर आपको परेशानी हो तो गौर से सुनिए। सिंपलेस्ट सुनिए, एक मिनट और, अल्टरनेटिव वे भी लिखा दो, सब कुछ इसी तरह करना है। सिंपलेस्ट रेशियो 1 आया और यहाँ 1.5 है, मत आपको 3/2 भी अगर मान लिया ना आए दिमाग में, तो एक और स्टेप बढ़ा दीजिए, इसको कहते हैं सिंपलेस्ट, पहले सुनिए लिखिएगा नहीं, होल नंबर रेशियो, कि इस डेसिमल को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको होल नंबर में तभी कन्वर्ट होगा जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना, बोलिए। yes. तो कोई कहेगा कि सर 4 से भी कर सकते हैं, नहीं, सिंपलेस्ट का मतलब स्मॉल नंबर, जिस स्मॉल नंबर से वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए उसी को लेना है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। तो जब 2 से इसको किया तो इसको भी 2 से कीजिए, तो 2 और 3 बतवा बराबर Fe2O3। बताइए भाई आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। जल्दी बताइए। अरे बोलिए, तो दोनों मेथड मैंने आपको लिख लेना है, दोनों मेथड, या तो आप यहीं से कर दीजिए, yes. हो सकता है कहीं पर टफ हो, नहीं आ रहा है भाई 3/2 आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई, तो सिंपलेस्ट होल नंबर से कर लीजिए। अरे बोलिए ना, सब लोग गवाही तो दीजिए, आ रहा है ना? यस सर आ रहा है। यस सर। हाँ यस यस। चलिए अब यहाँ से लिखिए, नबील भाई आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। चलिए लिखिए, वो कैलकुलेशन एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पर है, कि अगर आपका माइंड चल रहा है अच्छे से तो आप सिंपलेस्ट रेशियो से ही 3/2 से आंसर ले लीजिए, हो सकता कोई ऐसा डाटा आ जाए आपको फ्रैक्शन लेना मुश्किल हो रहा है, तो फिर वो आपको सिंपलेस्ट रे, इसलिए मैंने दोनों मेथड बता दिया। इशिका और विभूति बान को समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच। शीट जो मिल रही है पर डे आप लोग कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। हाँ प्लीज करते रहिएगा, वरना आप फिर बाद में आप कहिएगा हमको ये कंसेप्ट नहीं हुआ। पर डे देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि टॉपिक के लिहाज से शीट दिया जा रहा है, फिर चैप्टर जो एंड होगा तो हम 2 अलग से फिर क्लास बुलाएंगे रेगुलर के अलावा, कि हम मिक्सअप क्वेश्चन आपको कराएंगे फिर, इसीलिए आप लोग पर डे जो दिया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करें। 11th 12th में प्रैक्टिस ही है, दो बुक आप केमिस्ट्री की 2 बुक को कैसे याद रखेंगे, तो उसका तरीका ही यही है कि आपको पर डे के लिहाज से सेल्फ स्टडी करना है। अच्छा ये किसका नंबर है? मैं नंबर, आपने नाम नहीं लिखा, मैं नंबर बोल रहा हूँ 971728। ये किसका नंबर है? क्या नाम? सक्षम। यस सर। चलिए ठीक, मैं आपका नंबर, ठीक है, आप कहाँ, दिल्ली से हैं? यस सर। किस स्कूल में सक्षम? सर बैप्टिस्ट कॉन्वेंट। अच्छा ठीक,
हाँ लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। ओके अल्टरनेटिव मेथड भी लिख लीजिएगा कि सब कुछ उसी तरह रहेगा, सब कुछ उसी तरह रहेगा एलिमेंट्स इन, ये भी लिख लीजिए, है ना, कि कहीं कहीं पर आपको फ्रैक्शन आपको मालूम ना हो पाए तो फिर क्या कीजिएगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालिएगा। शीट में किसी को प्रॉब्लम हो तो क्लास के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, उसको पूछ लिया कीजिएगा जिसमें भी डाउट रहे। चलिए आगे बढ़े। यस सर। आदिल भाई समझ में आया ना? यस सर। गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये आप ट्राई कीजिएगा गलत या सही, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए अब अपने से बनाइए इसको। रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब तो समझ गए होंगे सारे लोग। यस सर। सर
चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, आप भी कुछ ट्राई किया ही होगा। मैंने कहा कि इंप्रिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला में क्या है, वो आपके माइंड पर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, परसेंटेज ये 40 है। ओके अदील, थैंक यू अदील, 40 है, 40% वही हो गया, 6.67 है। ऑक्सीजन की परसेंटेज किसी ने निकाली है कितनी आई है? 53.33, ठीक है। उसके बाद मोल्स निकाल लेंगे, सबका यहीं तक सही है ना? यस सर। मैं इसको दूसरे मेथड से भी करूंगा कि जहां आपको कैलकुलेशन की जरूरत कम पड़े। मैंने क्या कहा, ये पूरा बेस्ड है कि आपका माइंड, लेकिन पहले नहीं बने तो आपको जिसमें आसानी लगे उसी तरह करें। मैं 12 बोल रहा हूँ, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.33 आएगा, ठीक है? ये 6.67 आएगा, इसी क्योंकि आपको जैसे आ रहा है उसी तरह करेंगे 16, ये 3.33 आएगा, ठीक है? आप बताइए सिंपलेस रेशियो 3.33 को 3.33 से डिवाइड करेंगे 1, 6.67 को 3.33 से, तो ये लगभग 2 ही आएगा, सही है सर? बोलिए सारे लोग मिलकर, तो यही फॉर्मूला आया CS2 इंपिरिकल फॉर्मूला, यही आया है? बोलिए सारे लोग मिलके विभूति। यस सर। अब देखिए कि CS2O तो दिया हुआ नहीं ऑप्शन में, तो ये तो है ना मिला के CS2O। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes. अच्छा आप लोग माइंड को जोर दीजिए कि इस पूरे ऑप्शन में क्या A के अलावा और कोई CS2O है, हाँ या ना? No, sir. नहीं है sir. नहीं, ये भी है, देखिए कॉमन फैक्टर लीजिए, देख लीजिए CH4, देखो C हाइड्रोजन कितना, 4 ऑक्सीजन 2, CH2O है, एसिटिक एसिड, क्या लिखा हुआ है कंपाउंड में भी कंपटीशन में क्वेश्चन देखे है, इसलिए जोर देना, ए भी है डी भी है, डिड यू अंडरस्टैंड हाँ या ना? डिड यू अंडरस्टैंड कंपाउंड में भी, ये पूछ रहा है कंपाउंड में, हाँ ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, कहता इंपिरिकल फॉर्मूला बोलो, आप डायरेक्ट यही CH2O लिखते, आपको क्या मालूम कि ये क्या है? अरे बोलिए ना हाँ या ना? ये तो ऑप्शन देकर आपको बता दिया कि ये मेथेनल है और एसिटिक एसिड है, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है तारा, मैं बताता हूं। हाँ देखिए, आपको 40% कार्बन है, हाइड्रोजन 6.67 है, दोनों को जोड़ दीजिए 46.67, परसेंटेज तो 100 होता है, तो लिखा हुआ ना ऑक्सीजन रेस्ट, तो 100 माइनस 46.67 तो वही 53.3 आएगा। ताहरा आया समझ में? यस सर। परसेंटेज 100 होता है, इस दोनों को ऐड कर दीजिए 100 में से माइनस, बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अच्छा अगर आप मैं उसको लिखिएगा नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर कॉम्पिटिशन में रहता, आप चाहते हैं कि हमारा टाइम कम लगे तो हम कैसे करते, तो मैं उसका बता रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, तो अब जो सिंपल मेथड है जो लोग हर लोग सिखाते हैं आप उसी तरह करें, मैं मशवरा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं एक तरीका सब बता रहा हूं कि अगर आपका माइंड चले तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया इसको? यस सर। यस सर। ठीक, देखिए मैं आपको ये कह रहा था अल्टर, अगर आप उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं। देखिए अल्टरनेटिव मेथड ये है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो सारे लोग मिलके बोलिए, कार्बन आपको कितना दिया हुआ है मास? 40 है, ये कितना दिया हुआ है 6.67 67 हाँ 67, तो आप देखिए अगर आपके पास देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो 20/3 लिख सकते हैं इसको, बोलो यस सर। ठीक है, अब ऑक्सीजन कह रहा है तो दिमाग लगाओ, कार्बन 40 है तो 40 को हटा दो, तो ऑक्सीजन जो होगा
वो 60 माइनस 23 से भी तो आ सकता है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। 40 हटा दिया तो 60 बचा, हाँ या ना? यस। ये ला बोलिए ना, आ रहा है ना, 60 बचा तो 60 में से 23 तो 180, 160 बाई 3। अब मोल्स निकाल लो, 40 बाई 12, 10 बाई 3, 23, ये मोल यही रहेगा, 160 बाई 3 बाई 16, 10 बाई 3। सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, 1, 2, 1। बताओ CH2O आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। बोलो बोलो। तो आप तो हम ये नहीं कहते आप मेरे इस मेथड को भी अपनाइए, मेरी आदत नहीं है। आपको टाइम लग रहा है तो भाई आप इसी तरह कर दें, क्योंकि आपका हो सकता है उस वक्त काम दिमाग काम ना करे, भाई 6 पॉइंट इतना सोचने में टाइम लगेगा। तो ये सब कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आप आ जाता है ये सब। इसलिए मैंने सोचा आपको हर जो भी पॉसिबल मेथड है वो आप, ये कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने आप को कैलकुलेशन में डालते हैं। सबसे जनरल है जो हर लोग समझाते हैं, यही जो आपको स्कूल लेवल में भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह करेंगे। आप चाहते हैं कम टाइम लगे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। बताइए सबको समझ में आया क्या? इसको उतारना चाहे तो उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लेंगे। क्या मेरा ये मेथड, ये वाला मेथड भी सबको अच्छे से आया? यस 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 सर। हाँ चलिए, इसमें ऑप्शन मैं नहीं दूंगा। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा। चलिए कर लेंगे ना, सब लोग कीजिए, कोशिश कीजिए जल्दी से। अब जैसे करते हैं उसी तरह करें। हाँ इशिका समझ में आ रहा है ना? यस सर। लास्ट में मैं दो अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत जबरदस्त, आसान भी है और अच्छे क्वेश्चन है भी है।
ओके आदिल, थैंक यू, थैंक यू आदिल। तो यहां तक सबका सही होगा शायद? यस सर, यस सर। टाइम लगेगा, आप इसी तरह करेंगे। 1 4.07 2.01 वही टू ही लगभग आएगा, 2.01 बाय 2.01। तो ये आपका इंप्रिकल फॉर्मूला हो गया CH2Cl। हमको आप, मैं इसलिए दे रहा हूं क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कह रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब कह रहा है तो देखिए, तो आपको n निकालना, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, बताया था ना अभी आपको, आप देखिए यूज हो रहा है जो कंसेप्ट समझाया आपको, इंपिरिकल मास, बताइए शिका आ रहा है ना? तो मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ 99.96। इंपिरिकल मास यहां से निकाल लीजिए, इंपिरिकल मास कार्बन का 12 प्लस 2 एंड 35.5 तो 49.5 आ रहा है, 49.5 49.5। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बताइए आप लोग? 2 आएगा लगभग। हाँ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताया था, n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, वो डायरेक्ट आ गया CH2Cl इनटू 2 C2H4Cl2। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। बोलिए। यस सर। हाँ हाँ, पूरा दिखा देते हैं आपको, लिखिए। हाँ, डन नहीं हुआ सर? अच्छा नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर डन। ओके सर डन। मोबाइल है? अरे गाना आ रहा भाई, गाना क्यों सुना रहे हमको? बंद, म्यूट कर लें प्लीज। लिख लिया? डन सर। ठीक, और से सुने। अब देखिए, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके अलावा मैं एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, तो अब जल्दी से लिखें। नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करेंगे, सब लोग टाइमली ज्वाइन करेंगे। नया कंसेप्ट, इंटायरली डिफरेंट टॉपिक शुरू होगा और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल उसी में आएंगे, वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेंस। कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। Thank you.
ठीक है, मैं खुद करूंगा, सारे लोग लिखिए इसको। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। नो सर। हाँ लिख लिया सारे लोग? अब तो लिख लिया होगा? यस सर। देखिए आपको मेन मकसद है इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मोल्स मालूम होना चाहिए। सारे लोग एक एक स्टेप को देखो। देखो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है 3.38 ग्राम, तो आप इसका मोल्स निकाल लीजिए। सारे लोग ध्यान दीजिए, 3.38 बाई, सारे लोग सुनिए, 44। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कार्बन और हाइड्रोजन ही के फॉर्म में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो 3.38, और मैं हर स्टेप में पूछूंगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, 3.8 डिवाइडेड बाय 44, 0.0768, तो यह आया 0.0768। अब मैंने पढ़ा चुका हूं ना बेसिक में, जब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल इतने हैं तो कार्बन के भी मोल इतने ही होंगे, क्योंकि कार्बन वन इनटू दिस। अरे बोलिए हाँ या ना, मैंने बताया था ना, अगर याद होगा कि कंपाउंड का मोल मालूम है तो आप इंडिविजुअल का भी निकाल सकते हैं। बोलिए यस सर। हाँ कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा क्वेश्चन परसेंटेज के फॉर्म में, कंपाउंड दे दिया आप उससे एटम। आप देखिए उसी तरह वाटर का मोल हम निकाल लेंगे 0.690 by 18, तो 0.690 by 18, तो ये आपके पास आ रहा है 0.0383। तो बताइए हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, 2 into डबल, इसके डबल हो जाएगा। बताइए सबको समझ में आ रहा है जो आपको पढ़ाया जा चुका है इससे पहले? सर विभूति आ रहा है ना, इशिका? यस सर। बस yes, हो गया। आप बताइए क्या है? दोनों सेम ही तो है, तो बताइए सारे लोग ध्यान दीजिए कि सिंपलेस्ट रेशियो, तो आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन मोल्स आपका दोनों का 0.07 कितना था, 68, 0.68, ये है 0.0766। सिंपलेस्ट रेशियो 0.0768 by 0.0766, वन ही आएगा, लगभग वही वन ही आएगा। तो बताइए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए यहाँ से लिखना शुरू कीजिए जल्दी से फास्ट। Sir, done. Has everyone noted down? Yes, sir. Good. Vibhuti, Ishika, समझ में आया ना ये यहाँ तक? Yes, sir. Thank you. Okay. डन सर। डन।
अब हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए मोलर मास मालूम होना चाहिए जो कि नहीं दिया, तो आप बताओ, तुमको मैंने बताया था ना गिवन मास बाय मोलर मास को हम लिख सकते हैं ना वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, तो वॉल्यूम 11.6 ग्राम। देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो सारे लोग, 10 लीटर ऑफ दिस सैंपल वे इतना एट एसटीपी, अरे बोलो इसकी मदद से मोलर मास निकाल लो। देखो सारे लोग, गिवन मास कितना दिया हुआ 11.6, मोलर मास मालूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस 10 बाय 22.4, तो मोलर मास यहां से आ जाएगा। बताओ बताओ, पढ़े हो ना इससे पहले, अरे मोल कंसेप्ट में? यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई नहीं बोल रहा है भाई, कोई? यस सर। सब लोगों ने पढ़ा है, डिवाइडेड बाय 10, तो देखो 25.98 मतलब 26 ग्राम। अब देखो बस n निकाल लो, मॉलिकुलर मास 26, इंपिरिकल मास 13, 2, तो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इनटू CH C2H2 जिसको एसिटिलीन कहते हैं। अरे बोलिए आया कि नहीं सबको समझ में? इथाइल आया। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट था, देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन कितना अच्छा होता है। देखिए यहाँ पर मोलर मास डायरेक्टली नहीं गिवन था, बताइए नबील खान, आदिल खान, इशिका, सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। डन। सब लोग ने लिख लिया ये बॉक्स वाला, सब लोग ने लिख लिया? यस सर। बताइए कंसेप्ट क्लियर होगा, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया अधील, सक्षम, विभूति, इशिका, तारा? यस सर। यस सर। ठीक, आज इतना ही।